ईद मिलाद उन नबी का हमारा जो त्यौहार है उसी के लिए हम पुलिस निर्मल नगर पुलिस स्टेशन आए थे। हमने सीनियर से बात की, कल के जो जुलूस है उसके सिक्योरिटी के जो हम लोग ने इधर वही जांचने आए हैं, जो सुरक्षा वो हमें दे रहे हैं, और हम ये भी आश्वासन देने आए थे उनको कि हमारी तरफ से पूरा कॉपरेशन रहेगा और हम पीसफुली ये जुलूस को निकालेंगे। लगभग कितने कार्यकर्ता आपके साथ आएंगे इसी में? नहीं, सब कार्यकर्ता तो नहीं बोल सकते, हम सब एक साथ रहेंगे, हज़ारों में लोग होंगे, तादाद लोगों की तो बहुत ज़्यादा होती है। दोपहर से लेकर रात तक ये जुलूस निकलेगा। मैं खुद अभी जश्न ईद उल मिलाद उल नबी के कमेटी के साथ हूँ और हम यही सीनियर से बात करने आए थे कि क्या उनकी तरफ से सिक्योरिटी मेजर्स रहेंगे, और उनका पूरा इसमें सहयोग है, पूरा कॉपरेशन है, और इस बात से हम बहुत खुश हैं। तो क्या कुछ कहाँ कहाँ रैलियाँ निकलने वाली है? ये हमारी जुलूस हुसैन टेकरी से लेकर खेड़वाड़ी सिग्नल तक रहेगी, और हमारे सारे लोग हम सब साथ में एक साथ रहेंगे, तो बड़ी खुशी की बात है। और मैं यही कहना चाहूँगा हमारे नौजवान दोस्तों से किसी को भी तकलीफ दिए बिना हम ये जुलूस करेंगे, और पुलिस के और जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसका पूरा कोऑपरेशन करके करेंगे। साथ ही सर, कुछ महीने में लोकसभा चुनाव भी है, जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह से कितना जिम्मेदार मिला आपको इस बार चुनाव को? देखिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव 2019 में हमारे सर पर है, और कांग्रेस पार्टी के जो नौजवान हैं, जो हम यूथ कांग्रेस बोलते हैं उनको, उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें ही ये जो जीत है 2019 की ये हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस पार्टी की जो पोजीशन है मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे देश भर में, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और इंशाल्लाह 2019 हमारा साल होगा। आप से जानना चाहेंगे सर, किस तरह से सहयोग मिला है, क्या कुछ करने वाले? ईद हमारे नबी साहब का जन्मदिवस के रूप में बहुत ही जोश व खरोश से मनाया जाता है। आज से नहीं, मैं तो बच्चा था तब से मैं देख रहा हूँ, मेरा जन्म ही खेरवाड़ी में हुआ है, तो यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, और हमेशा से पुलिस का कोऑपरेशन रहा है, और इस बार एक बार फिर हमने मतलब जिशान भाई के नेतृत्व में निर्मल नगर सीनियर से मिल के आगे कैसे क्या करना है, लोगों को तकलीफ़ न देते हुए, जैसे बहुत ही तंग गलियां हैं तो ट्रैफिक का इशू ना हो, ये सब पूरा फॉलो करते हुए हम पुलिस के साथ मिल के अपने कुछ वॉलंटियर्स भी हमने कमेटी के साथ तैयार किया है जो पुलिस को कोऑपरेट करेंगे। आपसे जी क्या कुछ तैयारी है? हाँ, तैयारी तो माशाल्लाह हमारी पूरी हो चुकी है जश्न ईद मिलाद उन नबी की, और बस हम लोग यही, ये जो त्यौहार है आपसी सद्भाव का है, और हमारे यहाँ जो माशाल्लाह ये 10-15 सालों से कम हम लोग करते हुए आ रहे, इससे पहले से हमारे बुज़ुर्ग करते थे, तो अभी तक इसमें ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं, और जो भी धर्म के लोग हैं हमारे जो पास पड़ोस के, वो सब मिल बांट के इसमें काम करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ये त्यौहार होता है, और हम यही चाहते हैं कि इस साल भी ये इसी खुशी से आए और सब में एकता का मैसेज भेजे। इस साल हमारे साथ जिशान सिद्दीकी साहब भी जुड़े हुए हैं, इब्राहिम भाईजान भी होते हैं, ये सब लोगों का हमको सपोर्ट चाहिए, और ये बड़े लोग हमारे साथ आएंगे तो इंशाल्लाह और जो ये जुलूस में रौनक होगी और एक अच्छा सा मैसेज जाएगा लोगों में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इससे भाई कुछ ही बचे हैं, कल किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? सबसे पहले तो मैं हुसैन टेकरी ईद मिलाद उन नबी कमेटी से तमाम हमारे देशवासी जो है उन लोगों को ईद मिलाद उन नबी की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, और हर साल की तरह इस साल भी हुसैन टेकरी ईद मिलाद उन नबी कमेटी की जानिब से तैयारी अपने पूरे शबाब पर है, बहुत जोर शोर में चल रही है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस साल हमारे चीफ़ गेस्ट हमारे जिशान सिद्दीकी साहब वो हमारे चीफ़ गेस्ट बन के आ रहे हैं, इसमें हम लोग काफ़ी लोगों में उत्साह भी है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, हमारे वॉलंटियर में भी उत्साह है, और माशाल्लाह इनके आने से हमारे जुलूस में चार चांद ही लगेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपके चैनल जो जो लोग भी देख रहे हैं सभी लोग से मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ईद मिलाद उन नबी जश्न ईद मिलाद उन नबी भाईचारे का और मोहब्बत का एक पैगाम देने वाला फेस्टिवल है, तो जितने भी हमारे जहाँ जहाँ लोग जो जुलूस कर रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि इत्मीनान से भाईचारे के साथ पीसफुली फेस्टिवल को मनाएं, और लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखते हुए किसी को तकलीफ ना हो ऐसा जुलूस मनाएं। धन्यवाद। नहीं, बीजेपी के बारे में जितना कहे उतना कम है,
तो ये जो भी आप क्वेश्चन, आप जो प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं, ये सब प्रश्न के जवाब जनता उनको 2019 में ही देगी।